Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning my dear students. कैसे हैं आप? अरे आप तो अभी तक अपने बिस्तर में ही हैं। माना के सर्दी है लेकिन सारा दिन यूं ही सोकर तो नहीं गुजारते। सुबह हो गई, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है, क्योंकि आज हम उर्दू हरूफ तहजी में कुछ नए हरूफ सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के नए हर्फ दोस्त कौन से हैं। ये है नून और इसकी आवाज है अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल बॉल की तरह है ना। और इसकी बैली में होता है एक नुक्ता, ये है ये है और इसका होता है एक नुक्ता। अब हम मिलते हैं अपने दूसरे हर्फ दोस्त से और इसका नाम है वाओ और इसकी आवाज है व व, ये है व व व। व अरे देखें ये तो ऊपर से बिल्कुल की तरह गोल है और बाकी बॉडी बिल्कुल दाल जैसी है। व व अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा है? ये नहीं, क्या ये है? बिल्कुल ठीक, ये है अब आप बताएं कि इन दोनों में से व कौन सा है? बिल्कुल ठीक, आपको तो बिल्कुल सब कुछ आ गया। व अब हम देखेंगे कि न से कौन कौन सी चीजें शुरू होती हैं। न से नानी माँ, आप ही तो छुट्टियों में नानी माँ के घर जाते हैं ना। और नानी माँ तो सबको अच्छी लगती हैं और आपको पता है नानी माँ की तो एक पोएम भी है जो आपको बहुत पसंद है, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट कर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो कैसी लगी आपको से नानी वाली पोएम? और देखते हैं से क्या क्या बनता है।
नाशपाती, नाशपाती, आपको नाशपाती जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये हेल्दी फ्रूट है ना। और कुछ बच्चे तो फ्रूट्स को देखकर कहते हैं, नहीं मामा मैं नहीं खाऊंगा। आपने ऐसा नहीं कहना, फ्रूट्स खाने से तो इंसान स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। और देखें, न से नाक, न, नाक, आपने अपनी नाक को बार बार टच बिल्कुल नहीं करना। और न से होता है नल, टैप को उर्दू में नल कहते हैं, लेकिन नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पानी इस्तेमाल करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि पानी जाया करना अच्छी बात नहीं होती। नदी, नदी, इसे नहर भी कह सकते हैं और नदी भी। अब हम देखते हैं कि गुले उर्दू में इन अल्फाज की मदद से क्या कहानी लिखी है। अरे देखें, यहाँ तो नानी माँ है और नानी माँ के पास रहने आई हुई है नीलम, और वो दोनों आई हुई हैं एक नदी के किनारे। और किसके पास खड़ी है? ये तो नल है, और किसी ने नल को चलता छोड़ दिया और सारा पानी गिर गया। और आपको पता है कि अगर पानी रास्ते में गिर जाए तो क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा, इससे पांव फिसल सकता है। तो ऐसा ही हुआ, नानी जान और नीलम नदी के किनारे नल से पानी भरने गई। वहां नीलम का पांव फिसला और इसके नाक पर चोट लग गई। कितनी सैड बात है ना, इसीलिए कहीं पे भी पानी नहीं गिराते, और अगर कहीं गिरा हो तो फौरन उसे साफ करवा लेते हैं ताकि किसी का पांव फिसल कर उसे चोट ना लग जाए। आप देखें, न ने क्या किया, इसने ब की फैमिली के सारे नुक्ते अपने पास रख लिए। अब तो ब की फैमिली बहुत नाराज हो गई। तो न ने कहा, आप नाराज मत हो, मैं आपके नुक्ते वापस कर देता हूँ। तो न ने ब की फैमिली के तमाम नुक्ते वापस कर दिए और वो सब खुश हो गए। सारा दिन सैर करने के बाद अब अपने बेडरूम में अपनी नींद पूरी करने आ गया है, इसलिए अब हम को सोने देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा दूसरा दोस्त हर्फ व क्या कर रहा है। वो तो एक प्यारी सी वादी में आया हुआ है। अरे वो कहाँ चला गया, आपको नजर आया? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब अगर आपको नजर आए तो आप बोलेंगे वो। अरे कहाँ, ये तो यहाँ पे छुपा बैठा है। अरे वह बाहर आए, बच्चों ने आपसे मिलना है। तो ये है हमारे मियाँ वह, ये तो बहुत शरारती हैं, हर वक्त शरारते करते रहते हैं। अब ये आपको बताएंगे कि इनसे कौन कौन सी चीजें शुरू होती हैं। वह से शुरू होती है वैगन, जिसमें बैठकर आप अपनी नानी माँ के घर भी जाते हैं। और वर्क,
वर्क, जो बुक और नोटबुक के पेजेस होती हैं, उनको कहते हैं वर्क। और आपको पता है इसके अलावा चांदी के वर्क भी होते हैं, जो मामा हलवा बनाकर उसके ऊपर लगाती हैं और बहुत मजा आता है ना। और वो से है वकील। आप में से भी कुछ बच्चों के मामा या बाबा वकील होंगे, और वकील का पता ऐसे चलता है क्योंकि उन्होंने पहनी होती है वो वर्दी। वो वर्दी। और ये देखिए, गेस करें ये कौन है। आपने बिल्कुल ठीक गेस किया, ये हैं हमारे प्यारे कायदे आजम। और आपको पता है कायदे आजम भी वह वकील थे। अब हम देखते हैं कि गुले उर्दू में व की क्या स्टोरी लिखी हुई है। अरे देखें, यहाँ पे भी हमें नजर आ रहे हैं ये अंकल भी वह वकील हैं, और ये वह वकास के अबू हैं। वकास के अबू वकील हैं, और वो वैगन के जरिए सफर करते हैं। इनकी पट्टी वकास को बहुत पसंद है। तो देखा व के अल्फाज से कितनी मजे की स्टोरी बनी। आप भी इन अल्फाज को इस्तेमाल करके कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हर्फ न और व की लिखाई कैसे की जाती है। तो आप जल्दी से अपनी उर्दू एक्टिविटी बुक पेज नंबर 64 ओपन करें, और यहाँ पे हम न को नुक्तों पे लिखना सीखेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह नुक्तों के ऊपर ऊपर प्यारा सा न लिखना है। तो लिखना शुरू करें। बिल्कुल इसी तरह नुक्तों से स्टार्ट किया, इसकी बैली बनाई और इसकी छोटी सी टेल लाइन के ऊपर और इसकी बैली में एक डॉट। इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आप पेज नंबर 65 ओपन करेंगे, और इस पेज पे हम व की लिखाई इसी तरह से करेंगे। व की शक्ल तो आपको पता है, इसका हेड बिल्कुल की तरह होता है और इसकी बाकी बॉडी बिल्कुल सही कहा आपने, दाल की तरह। तो देखिए कैसे हम इसे लिखेंगे। जी हाँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी एक्टिविटी बुक पे काम करना है। अब हम नोटबुक वर्क देखेंगे। आपने अपनी उर्दू नोटबुक पे बिल्कुल इसी तरह ही मामा से पेज प्रिपेयर करवाना है, और इस पे हम इसी तरह से न नाशपाती और वर्क बनाएंगे, और हम न और व की लिखाई करेंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि न और व कैसे लिखेंगे। हमें लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट स्टार्ट करके लाइन से नीचे आएंगे, इसकी बैली ड्रॉ करेंगे, और फिर से हम ऊपर जाएंगे लाइन तक, और इसकी बैली में बनाएंगे हम, जी हाँ, एक नुक्ता, और ये बन जाएगा हर्फ न। इसी तरह आप पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लेटर व। व के लिए हम पहले इसका राउंड हेड बनाएंगे और बाकी इसकी बॉडी लेटर द की तरह लिखेंगे। ये भी पूरी लाइन में इसी तरह लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि न से नाशपाती कैसे बनाते हैं। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ से आपने बिल्कुल न की तरह एक शेप ड्रॉ की और इसे ज्वाइन कर दिया।
अब हम इसकी स्टेम बनाएंगे और एक प्यारा सा छोटा सा लीफ। देखा हमारा नाशपाती कितना इजी था बनाना। अब हम बनाएंगे वर्क। इसके लिए आप एक नोटबुक बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब हमने इससे थोड़ी सी बड़ी दो और लाइंस ड्रॉ करनी है, एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे। अब हम एक कर्व ड्रॉ करके इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह नीचे भी हम दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। तो ये बन गया हमारी बुक का वर्क। अब हम बुक की बाकी शेप भी कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसे ज्वाइन कर दिया। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमने नीचे से भी दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी नोटबुक का वर्क बन गया। अब आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखा कितना इजी था इसे ड्रॉ करना। अब आपने भी अपना काम जल्दी से कंप्लीट करना है और इस तरह से अपने काम की पिक्चर मुझे सेंड कर देनी है। कितना इजी था ना काम। अब हम एक मजे की एक्टिविटी करेंगे। ये तो पेपर बोट है। आपको आर्ट टीचर ने बनाना सिखाई थी ना। और बोट को उर्दू में बोलते हैं नाव। नाव। तो आपने किसी भी पेपर की मदद से एक नाव बनानी है और उसके ऊपर आपने लिखना है जो कि इसकी शुरू की आवाज है। और एक और मजे की भी एक्टिविटी है, आपने अपनी नोटबुक पर अ से व तक राइटिंग करनी है और आपने ऐसे हरूफ के गिर्द दायरा लगाना है जिन पर कोई नुक्ता नहीं होता। जैसे अ, क्या आपको इस पे कोई नुक्ता नजर आ रहा है? नहीं ना, आप इस पर दायरा लगा देंगे बिल्कुल ऐसे। अब आपने बाकी हरूफ भी तलाश करने हैं जिन पर कोई नुक्ता नहीं है और उन पर इसी तरह दायरा लगाकर मुझे अपने काम की पिक्चर सेंड करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।